और बात करते हैं बीजेपी विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले को लेकर के। एक बार फिर से जो झारखंड की सियासत है वो गरमाई हुई नजर आ रही है और इसको लेकर के एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने सुनवाई की है। आपको बता दें कि जब जेबीएम में थे बाबूलाल मरांडी, उसके बाद से वो बीजेपी में चले गए अकेले और उनके साथ दो और जो लोग थे वो जेबीएम में थे, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, ये लोग कांग्रेस में शामिल हो गए और इसी को लेकर के स्वतः संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष ने लिया और कहा कि आपने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, जिसके बाद से उन्हें नोटिस जारी किया गया और उसी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट गए, जिसके बाद से उस नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तो उस वक्त जो बाबूलाल मरांडी को राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस पूरे मामले पर जो लगातार सुनवाई है वो हो रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए हैं समरीलाल, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को लेकर के और कहा कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी के पक्ष में भी जो कह सकते हैं कि दलीलें हैं वो दी गई कि जो जेबीएम से बीजेपी में विलय हुआ है वो संवैधानिक तौर पर हुआ है, बीजेपी के नेताओं का कहना है। तो इन तमाम चीजों पर, दोनों मसलों पर जो सुनवाई है वो हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बार फिर से इस मसले को लेकर के जो वहां की सियासत है वो गर्म हुई है और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ होना है और क्या विधानसभा अध्यक्ष का जो रुख है वो नजर आता है। हालांकि अगर बात करें बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का, तो उनका कहना है कि हमने जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है, लेकिन जो शिकायत करता है जो बीजेपी के, उनका ये कहना है कि हमें अब तक जवाब नहीं मिला है, जवाब हमें जब मिल जाएगा तो फिर हम अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारी संवाददाता रुचि भी जुड़ेंगी और रुचि समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सुनवाई है दल बदल मामले को लेकर के वो हुई है, बाबूलाल मरांडी के साथ साथ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को लेकर भी क्या कुछ हुआ और क्या कुछ चल रहा है इस दल बदल मामले को लेकर के। रुचि जी, दल बदल मामले पर अगर बात की जाए तो सिर्फ तारीख पे तारीख डाल दी जा रही है। चूंकि झारखंड विकास मोर्चा जो पार्टी थी उसमें से दो विधायक जो बंधु तिर्की और प्रदीप यादव हुए, उन्हें पहले ही पार्टी से कुछ अनियमितता के कारण निष्कासित कर दिया गया था और वो दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन बाबूलाल जी ने अपनी पूरी पार्टी को भाजपा में विलय कर लिया था और भाजपा ने बाबूलाल जी को एक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं मिला चूंकि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और नेता प्रतिपक्ष के, चूंकि इन्होंने अपनी पार्टी को इसमें विलय किया था और 10वीं अनुसूची में, संविधान की जो 10वीं अनुसूची होती है उसमें इनका मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस वालों ने स्वीकारते हुए बंधु तिर्की को एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया, लेकिन बाबूलाल जी को वो दर्जा नहीं मिल पाया, बाबूलाल जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष का वो नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल, तो नेता प्रतिपक्ष के सम्मान वाली जो बात है इसको लेकर के बीजेपी लगातार लड़ाई भी लड़ रही है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर भी है प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर जो कांग्रेस में है कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो दल बदल का मामला बनता है ये दोनों नेताओं पर समान बनेगा या फिर किस तरीके का जो फैसला है वो विधानसभा अध्यक्ष ले सकते हैं? जी, समानता तो नहीं दिख रही है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि दल बदल मामले में जो दोनों तरफ से वकील ने पूरे कागजात नहीं जमा किए हैं और जब भी कागजात जमा करने की बात आती है तो अधिवक्ता कहते हैं कि हम कागजात जमा करेंगे और अगले तारीख की मांग हो जाती है कि अगली तारीख दी जाए, हमें कुछ समय दिया जाए, एक समय की मांग करते हैं, इस वजह से जो कार्य है वो लंबित रह जाता है। तो आज अध्यक्ष महोदय से भी हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो है कुछ कार्रवाई तभी आगे हो पाएगी जब उनके तरफ से कागजात पूरे जमा हो पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो लेट लतीफी है वो इस पूरे मामले को लेकर के नजर आ रही है। बहरहाल देखना हो किस तरीके से और तारीखें होती है, सुनवाई होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन देने की बात है वो होती है। बहरहाल